अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सवाल ये पूछा गया कि हजरत, शादी से पहले दूल्हे को हल्दी या उपटन लगाना कैसा है? शादी से पहले हमारे माशरे के अंदर एक रिवाज है कि दूल्हे को हल्दी जो है या उपटन जो है लगाया जाता है। देहातों के अंदर इसे बुकवा भी कहते हैं, शादी से पहले जो हल्दी लगाई जाती है उसे बुकवा भी कहते हैं। तो शादी से पहले हल्दी उपटन लगाना जो है वो कैसा है? देखिए, हल्दी लगाने वाले महरम हो, जैसे आपकी बहन हो या आपकी माएँ हों, आपकी खाला हों, आपकी फूफी हों, वो औरतें जिनसे निकाह हराम है, अगर वो आपको हल्दी या उपटन लगाए तो बिलाशुबा जायज़ और दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई गैर महरम लगाता हो तो फिर शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। अगर कोई लगाने वाला मर्द है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर लगाने वाला गैर महरम कोई औरत है तो फिर शरीयत इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देती है कि जो है हल्दी या उपटन लगाएं। हाँ, हल्दी और उपटन लगाने से मना नहीं किया गया कि नहीं लगा सकते हैं। हदीस पाक में आता है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह तआला, ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ ये वो सहाबी हैं जिनको अशरा मुबशरा के अंदर शुमार किया गया है, और अशरा मुबशरा उन सहाबा को कहते हैं जिनको हुजूर ने दुनिया के अंदर ही जन्नत की जमानत दी थी। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का शुमार उन जो है अशरा मुबशरा के अंदर किया जाता है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ का जब निकाह हुआ तो जब वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो उनके बदन पर जो है हल्दी जिस्म पर लगी हुई थी। तो हुजूर ने पूछा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, क्या तुमने अपने बदन पर हल्दी लगाई है? तो उन्होंने अर्ज किया, रसूलल्लाह, हाँ, हमने अपने बदन पर जो है वो हल्दी लगाई है। तो हुजूर ने जो है वो मना नहीं किया। अगर गलत होता तो हुजूर मना करते। तो इसी हदीस से जो है उलमा जो है वो जवाज का फतवा देते हैं कि अगर नाजायज होता या मना होता तो हुजूर अब्दुर्रहमान इब्न औफ को मना ना करते, लेकिन हुजूर ने मना नहीं किया तो इस बात की दलील है कि जिस्म पर हल्दी या उपटन लगाना जो है बिलाशुबा जो है वो जायज़ है, दुरुस्त है। तो शादी से पहले जो दूल्हे को हल्दी या उपटन लगाया जाता है बिलाशुबा जो है वो जायज़ है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि लगाने वाली महरम औरतें हों, गैर महरम औरत ना हो, या फिर लगाने वाला कोई इंसान मर्द हो तो जायज़ है। अगर लगाने वाली औरत कोई गैर महरम है तो फिर ये नाजायज़ और नादुरुस्त है, इससे जो है हर मुसलमान को बचना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।